राजगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट पर निशाना साधा और कहा कि जिस भाजपा ने सिंधिया जी को खरीदने में 500 करोड़ खर्च किए, अब वो पैसा आम जनता से वसूल कर रही है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री एवं राघुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिंधिया को खरीदने में लगाए पैसे जनता से वसूल रही है। भाजपा ने सिंधिया को खरीदने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब उस पैसे को भाजपा की सरकार जनता से बढ़े हुए बिजली के बिल से वसूल रही है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हम सबको मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और सिंधिया गुट पर कई आरोप लगाए। 500 करोड़ रुपए खर्च किए सिंधिया जी को खरीदने में, तो वापस तो पैसा वसूलना पड़ेगा ना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।